आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। मैं इसको जरा साइड कर दूं। हाँ, फिर से एक बार स्वागत है। हम पिछली बार हमने नदियों पे बात करी थी, तो एक पॉइंट आया था कि नदियों पे जो बांध बनते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो आपको नए साल की मुबारक हो, बता आप सबको नया साल मुबारक हो 2022। वैसे तो दुनिया कह रही है कि और बुरा होगा, पर हम आशा करते हैं सबके लिए अच्छा हो। तो आज का जो सेशन है हमारा वो बांध पे है, जिसे डैम्स इंग्लिश में बोलते हैं। तो डैम्स के ऊपर हम आज थोड़ा देखेंगे कि डैम्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं, फिर उसकी थोड़ा इतिहास को भी देखेंगे, और फिर हम लास्ट में फिर इसके प्रभाव, फायदे, नुकसान क्या है, वो सबको देखेंगे। और ये फिर मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा कि आप डिसाइड करें कि ये कितना हमारे लाभकारक है, ये बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसको हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो हमारे देश के लिए टेम्पल्स बोला था ना, टेम्पल्स ऑफ आर कंट्री। भाखड़ा नांगल डैम जो बनाया गया, उसमें भाखड़ा और नांगल दोनों अलग अलग डैम है, पर एक नाम से, एक ही योजना में है, तो उसको एक नाम से बोल देते हैं। तो आज हम देखेंगे डैम्स के ऊपर। तो सबसे पहली बात है कि डैम्स होते क्या है। तो हम देखेंगे डैम्स कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर, कोई ऐसी बिल्डिंग, कोई ऐसा निर्माण की हुई चीज जो कि नदी के बहाव को रोक दे और नदी के पानी को रोक दे, पीछे स्टोर कर दे, उसको हम कहेंगे बांध। सब इस बात को जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं कि डैम की डेफिनेशन हम क्या कहेंगे। तो हमने देखा कि डैम का स्ट्रक्चर जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो पानी के बहाव को रोक। तो आपको मैं बहुत सुंदर सुंदर चीजें, सीनरियां दिखाऊंगा, जो आप यहाँ घर में बैठे बैठे, अपने घर ऑफिस में बैठे बैठे, जहां पे भी आप हैं, देख सकते हैं कि कितना, कैसी कैसी खूबसूरत चीजें, कैसी कैसी जगह पे ये बनाया हुआ है। बहुत लोग घूमने जाते हैं, हम आपको यहीं से बैठे हुए दिखा रहे हैं। तो डैम एक ऐसा स्ट्रक्चर जो पानी को पीछे रोक दे, ठीक है। और इसको हम क्यों बनाते हैं, असली में इसका सबसे पहला जो एक, इसका अगर शब्द की बात करें तो यूनानी भाषा में इसका प्रयोग किया गया। जो सबसे पहले हम इसका शब्द जो एक मतलब भाषा में अगर इसका जब आया, तो हम यूनानी भाषा में तोफास करके, तैफोस नाम से इसका है। तैफोस मतलब ग्रेव हिल, यानी जैसे हम कब्र बनाते हैं उसके ऊपर मट्टी डाल देते हैं, वो थोड़ा सा एक टीबा सा बन जाता है। तो एक कोई भी मट्टी का ढेर, मट्टी का ऐसा जो खोद के ऐसा ढेर लगाया गया हो, मुंढेर बनाई गई हो, उसको हम यूनानी भाषा में, शुरुआती भाषा में इसको डैम कहा गया था। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये मट्टी को इकट्ठा करके ऐसे डैम ये लगा दिया गया है, यानी एक कब्र जैसी बना दी है ऊंची सी, तो इसको हम कहेंगे ये डैम है। और ये शब्द का प्रयोग 1165 में शुरू हुआ, इससे पहले डैम शब्द का प्रयोग नहीं था। हालांकि डैम बहुत पहले से है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। डैम जो है कैसे बनते हैं, कुछ हमने देखा कि हम बनाते हैं, हम मनुष्य बनाता है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाता है, पर कई बार बांध जो है वो लैंडस्लाइड से है, भू संकलन की वजह से। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एक नदी पीछे से चली आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे ये ऊपर से पत्थर गिर के ये रास्ता नदी का बंद हो गया, एक बांध जैसा बन गया है ना। या बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा आके वहां पड़ जाए, बीच में रास्ता रोक दे, पानी के बहाव को रोक दे, तो वो भी डैम बन जाएगा। तो ये पाकिस्तान में हुआ था, ये पाकिस्तान का सीन है, हमारा जो आधा कश्मीर उसके पास है, वहां का सीन है, बहुत खूबसूरत जगह है। तो ये लैंडस्लाइड्स की वजह से भी डैम बन जाते हैं। तो अब हम देखें कि डैम जो है, हमने देखा कि प्राकृतिक तौर पे भी बन जाते हैं, और हम आप देखें एक डैम ऐसा भी है जो कि छोटा सा प्राणी जिसको बीवर कहते हैं, अमेरिका में पाया जाता है, ये भी डैम्स बनाता है। अब आप कहेंगे साहब इसको क्या पड़ी है डैम बनाने की, इसको क्या जरूरत है डैम बनाने की, पानी आ रहा नदी में, बहाव है, उसको क्यों रोकता है ये। तो इसके पीछे इसकी उस कारण आपको जानना जरूरी है कि ये जानवर डैम क्यों बनाता है। तो एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं मैं, ये डैम क्यों बनाता है ये अलग प्राणी। थोड़ा सा इज ह्यूज बट इजंट इवन द टॉलेस्ट और द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। देखिए ये जो डैम की बात कर रहे हैं, मैं यहां से शुरू से दिखाता हूं, दिस इज द हूवर डैम इन नेवाडा यूएस। ये अमेरिका का हूवर डैम है जो कि कोलोराडो नदी पे बनाया गया है, और इस डैम की अब तुलना की जा रही है उस बीवर ने जो डैम बनाया उसके साथ। इसको देखिए आप, अ डैम इज अ प्लेस वेयर पीपल हैव वॉल्ड ऑफ पार्ट ऑफ अ रिवर एंड क्रिएटेड अ लेक बिहाइंड द वॉल। हूवर डैम इज ह्यूज
but isn't even the tallest or the longest dam in the world. Check out this one in Alberta, Canada. It's not very tall, but it's almost twice as long as the Hoover Dam. ये In fact, it's बांध so long बनाया गया है, Hoover Dam से भी बड़ा बांध है, space. है ना? Space से भी इसको आप देख सकते हैं. और ये बनाया किसने है? एक बीवर ने. Or cement trucks or tractors like most dams. This was made almost entirely by beavers. Someone named Mateo has a question about beavers and dams. Let's give Mateo a call now. अब ये प्रश्न पूछा गया कि डैम्स होते क्यों हैं, बनाते क्यों हैं, तो ये आपको जानना जरूरी है. Why do beavers build these? Well, at first, I didn't know the answer to this question either. I thought that a beaver dam must be a house where beavers lived. But it surprised me to find out that beaver dams aren't where beavers live. They're not houses at all. So why do they build अपने लिए घर नहीं, I mean, ये इसका घर नहीं है. ये जो डैम बनाया इसने, ये इसलिए नहीं बनाया कि यहाँ पे अपना रहेगा ये. And it is a lot of work. ये पानी को मैं आपको पहले बता दूं कि बीच में बोलना ठीक नहीं लग रहा. ये डैम इसलिए बनाता है कि एक तरीके का एक इसका एक पानी को रोक के उसके बीच में अलग से मट्टी को इकट्ठा करके वहां घर बनाता है. अगर पानी बहता रहेगा तो इसका घर को बनाने के लिए इसको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पानी का प्राणी है और भालू और दूसरे प्राणी इसको खा लेंगे, तो इसको पानी में रहना जरूरी है. अगर पानी कम हो जाएगा तो इसके बच्चों को और वो आके खा लेंगे, वुल्फ और भालू जो भी वहां के प्रेडिटर्स हैं. तो ये क्या करता है, एक आर्टिफिशियल लकड़ी और मलवा और पत्थरों को इकट्ठा कर करके बांध बना देता है, ताकि नदी का पानी अब धीरे धीरे बहे. तो धीरे धीरे बहने से क्या होता है, फिर ये बीच में उस नदी के जो पानी इसने तालाब जैसा इकट्ठा कर दिया उसके बीच में एक छोटा सा घर बनाता है, फिर भी वो मलवा और लकड़ी से, और उसके अंदर ये रहता है. तो अब ये कैसे रहता है वो आप देखिए, अब मैं बोलूंगा नहीं. Weeks, months, or even years to completely finish. And if you think about why, it makes sense it takes so long. First, they need to cut down tall trees. Then, they drag them all the way to the middle of a river. Then, they pile rocks and sticks and plants on top of it to make it taller. So, if they're not gonna live in a dam, why do they go through all this trouble? There must be a good reason, right? Before I say anything more, I'm curious. Why do you think beavers go through all the trouble of building a dam? Now would be a good time to pause the video and discuss. Okay, you ready? Even though dams aren't beaver houses, scientists have... देखिए, ये इसने तालाब बनाया है, और ये जो है ना, यहाँ इसका घर है. अगर ये नदी को इस पानी को नहीं रोकेगा तो ये घर इसका रुक नहीं सकता और ये पानी भी बह के चला जाएगा. तो इस घर को बनाने के लिए, ये इस पूरे चीज को पानी को रोकने के लिए, बीच में सुरक्षित रहने के लिए ये ऐसा बनाता है, है? बड़ा इंटेलिजेंट प्राणी है. That they have a lot to do with where beavers build their houses. You see, beavers do build houses. Their homes are called lodges. And when a beaver builds a lodge, it needs to find the perfect place. For a beaver, that means a place surrounded by lots of water. Like, if they can find an island in the middle of a pond, that's perfect. That's where they'll build their lodge. That's because beavers aren't very fast on land, but they're great swimmers. Look closely. You see its back feet? They're webbed, just like a duck's. So a beaver, if they're being chased by predators, like wolves, wolverines, or bears, it's kind of like a moat around a castle. ये इस तरह से है जैसे कि हम इंसान भी ऐसा अपने पुराने किले हम जब देखते हैं तो उसके आसपास पानी की एक तालाब और नहर जैसी बना देते थे ताकि दुश्मन ना आ सके. तो ये लगभग यही चीज बीवर कर रहा है और इसलिए वो ऐसा बांध बनाता है. तो हमने देखा कि ये इस तरह से बांध बनाता है बीवर भी, है ना, कुछ लैंडस्लाइड की वजह से बन जाते हैं. अब हम बात कर रहे हैं वो है कि जो इंसान के द्वारा बनाए हुए बांध. तो जब एक बांध बनाया जाता है तो उसके पीछे जब पानी रुक जाता है तो उसके पीछे एक बड़ी सी झील बन जाती है. इस बड़ी झील को कहा जाता है रिजर्वर, है इसका जलाशय भी बोल सकते हैं हिंदी, है ना. तो ये बहुत बड़ा इसका एक बहुत बड़ा पानी का एक तालाब वो बन जाती है, झील बन जाती है, मैन मेड झील बन जाती है, जिसमें हम पानी को स्टोर कर लेते हैं अपने फ्यूचर यूज के लिए. अब ये जो पानी हमने रोका ये किस किस काम हमारे आ सकता है, तो कोई बड़ी साधारण सी बात है, हम अपनी खेती बाड़ी में करेंगे, बिजली बनाने के लिए करेंगे,
हम अपने खुद के प्रयोग घर घरों में जो हमारे को खुद पीने के लिए और हमारे को नहाने धोने के लिए चाहिए, उसके लिए इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए, और मछली पालन के लिए, और इसमें से हम नेविगेशन भी करते हैं, मतलब बोट से इधर से उधर जाना हो तो भी आप इसका प्रयोग पानी का हम उसमें कर सकते हैं। अब नहीं तो यहाँ से वहां जाने के लिए हमारे को बड़ी लंबी रोड बनानी पड़ेगी, और अब हमने बांध रोक दिया तो हम इसमें आराम से बोट से इधर से उधर जा सकते हैं। तो एक रिजर्वर बन जाता है बहुत बड़ा, जिसका जिसमें हम पानी स्टोर कर लेते हैं, और ये पानी हमारे बड़े अलग अलग तरीकों में यूज आता है। यहां तक तो हम एकदम सीधी सी बात है, बांध के बारे में सबको यहां तक पता ही होगा। अब ये सही, अब हम इस पानी को प्रयोग कब करेंगे, जब हमारे को जरूरत होगी अपने हिसाब से हम उसको प्रयोग करेंगे। और ये बांध को हम इसलिए बनाते हैं, अगर ये बांध ना हो आज के जमाने में तो हमारा आज का जीना बहुत मुश्किल हो जाए, है ना। सही समय पे सही जगह पे अगर हमारे को पानी ना मिले, पूरी पृथ्वी के लोग जो इस समय है बांध के ऊपर बहुत बुरी तरह से बहुत ज्यादा तरीके से निर्भर हैं, है ना। बांध बहुत इंपॉर्टेंट बन गए हैं आज के समय के लिए। अब ये बिजली कैसे बनती है, मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम में दिखा रहा हूं कि बिजली बनती कैसी। आप कहेंगे बांध में बिजली बनती है, पर बनती कैसे है वो शायद बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो क्या है, हमने यहाँ पे बांध में पानी इकट्ठा कर दिया, इधर पानी इकट्ठा हो गया, यहां से हम पानी को एक टनल में छोड़ते हैं, है ना। इसको पेनस्टॉक भी बोल देते हैं, जो ये पानी का छोड़ने का रास्ता है इसको पेनस्टॉक बोल देते हैं। यहां से पानी आता है और बीच में यहाँ पे टरबाइन होती है ना। ये टरबाइन अलग अलग तरीके की होती है, कहीं पे किस तरीके की है, कहीं पे किस तरीके की है, पर एक बड़ी फेमस जो है वो है एक एक सी शेप की होती है, जिसमें पानी इधर से आता है और उधर से घूम के निकल जाता है टरबाइन को घुमाता हुआ। तो ये टरबाइन जब घूमती है तो इसके पीछे डायनेमो लगे होते हैं, जैसे हमारे कारों में सब गाड़ियों में लगे होते हैं, जो कि घूमने से बिजली पैदा करता है। मैग्नेट और कॉपर वायर के मैग्नेट फील्ड जब कॉपर वायर के अंदर घूमेगी तो बिजली जनरेट हो जाता है ना। तो वो बिजली जनरेट होकर उस बिजली को हम स्टोर करके उसको हम स्टेबलाइज करके, क्योंकि कभी ज्यादा बन जाएगी कभी तेज पावर आ जाएगी, तो उसको स्टेबलाइज कर देते हैं। स्टेबलाइज करके हम उसे उसको स्टेप अप स्टेप डाउन करके, वो इलेक्ट्रिकल चीजें हैं, उसको फिर हम घरों में भेज देते हैं। तो ये एक जनरेटर की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो ये जनरेटरों की तरह बिजली बनाने का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऐसा होता है, ठीक है। तो जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट होते हैं उनका काम इस तरीके से चलता है। तो हमने देखा कि ये बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट प्लांट्स जो है ज्यादातर मेन जो पर्पस बिजली बनाने का, डैम प्रयोग कर डैम से उसको हम लेते हैं। अब एक चीज बात आती है कि डैम जो है किस स्ट्रक्चर में बनाया जाए। तो डैम ऊपर से पतला होता है, नीचे से मोटा होता है स्ट्रक्चर जो है। क्यों होगा ऐसा, आप कॉमन सेंस की बात है कि लिक्विड का जो पानी का प्रेशर जो है, क्योंकि दबाव की वजह से नीचे ज्यादा प्रेशर हो जाता है, हाई प्रेशर होता है, ऊपर कम प्रेशर होता है, दबाव पानी का ज्यादा होता है, वो पानी डैम टूट ना जाए, इसलिए डैम को नीचे से मजबूत बनाने के लिए उसको चौड़ा बनाते हैं। और ये कितना चौड़ा बनाते हैं, और आपको मैं एक जरा सा दिखाना देता हूं झलक कि ये पानी का प्रेशर कितना होता है ना। जब पानी को इसमें से छोड़ा जाता है तो कितने जबरदस्त फोर्स से पानी निकलता है, क्योंकि ये कई किलोमीटर दायरे में ये पानी इकट्ठा हुआ हुआ है, तो उसका पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और जब नीचे की तरफ जो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, उसकी थोड़ी सी झलक दिखाऊंगा, ज्यादा पूरा तो नहीं दिखा पाऊंगा मैं, एक कि पानी कैसे When निकलता a reservoir reaches a high water level, the dam below must discharge huge amounts of water. It's a spectacular sight to see, and so today's video is on the top 5 water discharges. Number 5, a hydroelectric dam does an emergency water discharge. अभी आपको याद होगा इडुक्की, जो हमारा केरला में एक डैम था, उसमें से पानी छोड़ दिया गया, क्योंकि वो बांध में पानी का जो लेवल, जो उसका मैक्सिमम उसको सपोर्ट करने वाले वो थे, वो गेट्स उसको बाद उसको संभाल नहीं पा सक रहे थे, तो उन्होंने बांध के गेटों को खोल दिया। ये गलती थी, पहले थोड़ा थोड़ा करके खोलते रहते तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। उन्होंने एक साथ जब बहुत ज्यादा हो गया तब एक साथ सारा खोल दिया, थोड़ा थोड़ा करके निकालते तो वो पानी निकल जाता, पर उन्होंने एक साथ खोला। और केरला में जो हुआ था आपने याद होगा, आपको कितनी जबरदस्त बाढ़ आई थी। तो ये इस तरीके से देखिए, बांध जब पानी ज्यादा हो जाता है ऐसे खोल जाता है। हैवी रेनफॉल Number 4. During monsoon season in Asia, dams must discharge massive amounts of water.
so the reservoirs above don't overflow. आप देख सकते हैं प्रेशर कितना है पानी का, ये आपको दिख रहा है कि इतनी दूरी कम से कम 100 मीटर दूर जाके गिर रहा है पानी, 100 मीटर दूर जो हुसैन बोल्ट नंबर 3 the amount of electricity generated by this hydroelectric dam is enough to power a small city. लास्ट का आपको दिखा देता हूँ फिर हम चालू करेंगे। ये देखिए ये पानी इतनी जोर से निकल रहा है और ये कम से कम भी तो 100-150 मीटर दूर जाके गिर रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्रेशर हो जाता है बांधों के अंदर। तो बांध को हम फिर इसका मतलब हम हल्के में नहीं बना सकते, कोई इसको बड़ा सोच के बनाना पड़ेगा। तो हम बांध को अब हम कितने तरीके के बांध होते हैं, क्या सोच के बनाया जाता है, तो इसके पीछे कुछ कारणों को हम इंजीनियर्स, इस पहले कोई भी बांध कहीं बनाएगा तो ये देखता है कि ये कैसी जगह है, यहाँ पे कैसा मटेरियल अवेलेबल है, यहाँ की जो जमीन है वो कैसी है, यहाँ पत्थर है कि नहीं है, नीचे चट्टाने हैं कि नहीं है, इन सब बातों को देखता है। दूसरा, नदी में कितना पानी आएगा, यहाँ पे बांध को अगर हम बनाएंगे तो पानी को रोकने की जगह वहां है कि नहीं, रिजर्वर बनने के लिए कोई है तो प्रॉपर जगह है कि नहीं, कितना सेफ्टी रहेगी, वो सारी चीजों को कंसिडर करते हैं। तो मुख्यतः डैम को अगर हम बनावट के उस पर देखें, बनावट की तौर पर मैं आपको कई तरीके से बताऊंगा, यूज के तरीके से, मटेरियल के तरीके से, है ना। तो अभी हम देखेंगे बनावट के तरीके से। तो सबसे पहले आ जाता है ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम ये सबसे बड़े वाले डैम होते हैं और इसके अंदर जो मटेरियल है वो ज्यादातर सीमेंट और इस तरह की चीजें, रोड़ा रोड़ी और सरिया और गार्टर आरसीसी ये सब डाल के इसको बनाया जाता है और ये सबसे भारी होते हैं। इनको क्यों बनाया जाता है भारी, क्योंकि इनका काम है कि इतने अपने वजन से पानी का जो इधर से फ्लो आ रहा है उस पानी को अपने वजन से रोक ले, तो इसको कहते हैं ग्रेविटी डैम। पानी के इधर वाले फ्लो को इतना भारी बना देते हैं कि ये पलट ना जाए, है ना, पलटे ना, इसलिए उसको बहुत भारी और बहुत ही हैवी बनाते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा मटेरियल लगता है, तो ये होता है ग्रेविटी डैम। और ये ग्रेविटी डैम ऐसी जगह बनाया जाएगा जहां पे नीचे चट्टाने हो, सख्त हो, क्योंकि अगर भारी चीज ऊपर से हम बना रहे हैं नीचे मट्टी हुई तो धस जाएगा, और धंस जाएगा तो फिर ये बड़ा खतरनाक हो जाएगा, फिर तो इतना पानी एक साथ छूट जाएगा तो फिर आप जानते हैं कि आप प्रलय आ जाएगी। तो इसलिए इसको ऐसी बड़ा सोच के बनाया जाता है कि जहां नीचे मजबूत चट्टाने हो और वहां पे वेट लेने के लिए मट्टी जो है वो वेट लेने के लायक हो, है? तो ये होता है ग्रेविटी डैम। दूसरा होता है आर्क डैम। आर्क डैम है, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि जानकारी होना जरूरी है, कल को आप कहीं जाए तो आप किसी बांध को देख के आपको कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि ये बांध कौन सा है, ये ऐसा क्यों है, इसके फायदे क्या है। तो आपको एक मैं पूरी एक लमसम जानकारी देता हुआ चल रहा हूं। तो आर्क डैम क्या होता है, ये सी के शेप का होता है, हाफ सी, है ना, धनुष के अपार आर्क का। तो इसको ऐसा क्यों बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए सबसे बड़ी बात होती है, ये एक कैनियन में यानी एक वादी के अंदर बनाया जाता है और ऐसी जगह बनाया जाएगा जहां दोनों साइड में, जैसे मैंने ग्रेविटी डैम बताया तो उसके नीचे बहुत मजबूत चट्टाने होनी चाहिए। आर्क डैम के लिए बहुत जरूरी है कि नीचे के साथ साथ साइड में बहुत मजबूत चट्टाने हो, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे इसके खोद के इसके अंदर झिरी बनाई जाती है, नॉचिस बनाए जाते हैं जिसको की वे कहते हैं, है ना, जिसके अंदर चट्टानों को अंदर खड्डा कर देते हैं दोनों साइड में और उसके अंदर से डैम को बना के लेके आते हैं भार को ऐसे सी शेप में, और वो पानी का जो सी है वो जिस तरफ पानी का वेट है उस तरफ को स्लोपिंग रहेगा, इस तरफ को नहीं रहेगा, इधर से कर्व रहेगा और उस तरफ को उसका जिस तरफ से पानी का वेट है उस तरफ को उसका सी का मुंह उस साइड को होगा, ठीक है। तो ये आर्क डैम होते हैं और ये ऐसी जगह बनाए जाते हैं, जैसे आपको ये सामने दिख रहा है, ये हूवर डैम है अमेरिका का, बहुत जबरदस्त है, इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। ये अपने जमाने में सबसे बड़ा डैम था पर अब ये पीछे रह गया है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद जैसे ये भी एक कंक्रीट और सी शेप का यानी आर्क डैम है ना,
ये आर्क डैम जो है ये दुनिया का सबसे सेकंड नंबर का सबसे ऊंचा आर्क डैम है, है? सबसे ऊंचा डैम नहीं है, सबसे ऊंचा आर्क डैम जो सी शेप का डैम है, ये जॉर्जिया में है। अब आप कहेंगे जॉर्जिया क्या है, ये 271.5 मीटर इसकी हाइट है ना, और ये पीछे का जलाशय आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। और ये देखिए जॉर्जिया यहाँ है, अगर हम इंडिया से चलें, थोड़ा ज्योग्राफी भी देखते हुए चलना चाहिए हमें, ये हमारा इंडिया है, पाकिस्तान, ईरान, इराक, ये इराक हो गया है ना, फिर इसके बाद यहां से हम आगे चलेंगे इराक के बाद ये सऊदी, इधर सऊदी, ये तो सऊदी इधर हो गया, यहाँ पे ये बलकान कंट्रीज आ जाती है, टर्की, इराक से टच है टर्की, टर्की के ऊपर ये एक जॉर्जिया देश है ना, इसको बलकान कंट्रीज कह देते हैं। और ये हमारा कैस्पियन सी है, है? इस सॉरी ब्लैक सी, यहाँ पे ये जॉर्जिया जो देश है ये यहाँ पे है, ठीक है, तो हमारे देश से इस तरफ को है, यहाँ पे ये सबसे ऊंचा डैम, सेकंड नंबर का सबसे ऊंचा डैम है। अब जो तीसरे तरीके का एक डैम आ जाता है, मैंने आपको ग्रेविटी डैम बता दिया, मैंने आपको आर्क डैम बता दिया, अब एक बट्रस डैम आता है। बट्रस डैम क्या होते हैं, ये पतले होते हैं, पतले का मतलब ये नहीं कि नाजुक होते हैं, कमजोर होते हैं, ऐसा नहीं होता, पर इसको सपोर्ट करने के लिए इसमें पिलर्स जैसे दिए जाते हैं जो पानी को इसको पलटने से रोकने के लिए ऐसे जैसे थाम के रखते हैं, उधर को धक्का दे के रखते हैं, तो ये इसमें ऐसे पिलर्स बना दिए जाते हैं जो कि स्लोपिंग होते हैं और इसको रोक के रखते हैं, है? बट्रस यानी उसको धक्का देने वाले, उसको रोक के रखने वाले बांध, तो ये इस टाइप का बनता है, ये प्लेन भी हो सकता है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आर्क और बट्रस डैम दोनों मिक्स हो गया है ना, क्योंकि इसमें आर्क भी है और बट्रस भी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बांध को बट्रस डैम कहा जाता है, है? पानी को पीछे को धकेलने के लिए, सपोर्ट देने के लिए इसमें ये लगाए जाते हैं गेट। अब चौथा तरीके का बांध आता है जो बड़ा कॉमन है और ज्यादातर बहुत दुनिया में ऐसे बांध आपको मिलेंगे, इसे बोलते हैं एम्बैंकमेंट डैम, है ना, जिसमें मट्टी, पत्थर, मलवा उसको इकट्ठा कर देते हैं और उसके दोनों साइड में अच्छी तरह से उसको, खाली मट्टी भी नहीं होती, खाली पत्थर भी नहीं होता, और इसको काफी चौड़ा बनाते हैं, है ना, और ये इसमें मट्टी को ठोक ठोक के, दबा दबा के ऐसा बनाते हैं, और ये सबसे कॉमन टाइप का डैम है, सबसे ज्यादा ये हर लगभग, क्योंकि इसमें खर्चा कम आता है, मट्टी जलाशय की मट्टी निकाल के बाहर लगा दी, या इधर से मट्टी लाके डालते डालते डंप करते करते इसको हम बना देते हैं। जैसे हमारा टेरी डैम है ना, टेरी डैम भी एम्बैंकमेंट डैम है एक तरीके का, है? वो भी एक एम्बैंकमेंट डैम है, तो ये पुष्टा जिसको बोल देते हैं उस तरीके का डैम है, ये कॉमन है। अब हम अगर हम हमारे देश में कि बड़ा फेमस डैम है हमारा ब्यास नदी पे मंडी डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश में, अगर कभी आप जाएंगे आपकी घूमने तो जरूर जाना, जब आप मनाली जाएंगे तो रास्ते में मंडी आएगा, तो मंडी में रुक के जरूर इस बांध को देखना, इसका पोंदो डैम नाम है, पोंदो डैम है, और ये एम्बैंकमेंट डैम है। देखिए यहाँ पे ये पूरा मट्टी से इसको रोका हुआ है, ये दोनों साइड से, और बीच में ये बांध है, तो इसको बोलते हैं एम्बैंकमेंट डैम, ठीक है। अब एक मैं आपको दुनिया का सबसे ऊंचा एम्बैंकमेंट डैम कौन सा है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये तजिकिस्तान में है, न्यूरिक डैम के नाम से है, एक छोटा सा वीडियो है, बड़ी सुंदर क्लिप है, आप देखिए, क्योंकि मुझे इसको देखने में बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा आपको भी दिखाता हूं। ये 300 मीटर ऊंचा बांध है, 300 मीटर आप यहां से अगर आप लगाएंगे तो कितना दूर हो जाएगा, जरा सोचिए, 300 मीटर है ना, यानी जो 400 मीटर का ट्रैक होता है ना उसमें से 100 मीटर कम कर दीजिए, 400 मीटर का जो पूरा ओलंपिक का जो ट्रैक होता है उसमें से 100 मीटर कम कर दीजिए और उसको सीधा कर दीजिए ऐसे खड़ा, तो सोचिए कहां पहुंच जाएगा, तो ये ऐसे उठा के देखना पड़ेगा सर। तो ये न्यूरिक डैम है तजिकिस्तान का, इसको आप देखिए, बहुत खूबसूरत है, ये ड्रोन से फोटो ली गई है। आप देख रहे हैं ये दोनों साइड में एम्बैंकमेंट है, ये इसके पत्थर और मट्टी को ठोक ठोक के बनाया गया है। अब इसका साइज आप इससे लगा सकते हैं कि आप यहां पे गाड़ियां खड़ी देख रहे हैं, कितनी छोटी छोटी दिख रही हैं वो।
ये नीचे बिजली परियोजना है, आप यहाँ से देख सकते हैं बहुत चौड़े होते हैं। एम्बैंकमेंट डैम को चौड़ा बनाना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर इसको पानी को रोकने के लिए और कोई साधन नहीं है इसके पास, तो इसको इतना चौड़ा बनाते हैं, तकरीबन 1 किलोमीटर चौड़ा हो सकता है, इतना चौड़ा हो सकता है। तो ये न्यूरिक डैम है तजिकिस्तान का, दुनिया का सबसे ऊंचा एम्बैंकमेंट डैम, ठीक है। खैर अब हम आगे चलते हैं, तो ये इसके बाद अब हम यूज के हिसाब से, अब हमने देखा बनावट के हिसाब से, हमने देखा कि 4-5 तरीके के मैंने आपको बताया, ग्रेविटी डैम बताया, आर्क डैम बताया, फिर मैंने आपको बताया बट्रस डैम बताया, फिर एम्बैंकमेंट डैम बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं स्टोर यूज के हिसाब से डैम्स को कितने हिस्से में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है स्टोरेज डैम, है ना, जहां पे पानी को स्टोर कर लिया हमने, बारिश के समय पे हमने उसको रोक लिया, जब गर्मी आई तो हमने उसको प्रयोग कर लिया, वहां पे हमने मछली भी पाल सकते हैं, वहां पे हम और दूसरे जो है वो उस काम को पानी को हम यूज कर सकते हैं। तो ये स्टोरेज के हिसाब से होता है, तो स्टोरेज वाले डैम को हम कहेंगे स्टोरेज डैम। दूसरा होता है डायवर्जन डैम, डायवर्जन डैम मतलब अब हमारे पास इस नदी का पानी जो था वो इधर को जाता था, तो हमने क्या किया, इस बांध को लगाया और पानी को इधर की जगह अब इस तरफ को डायवर्ट कर दिया इसको। तो अब ये जा रहा था मान लीजिए हरियाणा में, अब हमने इसको दिल्ली की तरफ कर दिया, तो ये डायवर्जन डैम होते हैं। ये पानी को एक जगह से दूसरी जगह, नदी के फ्लो को पानी को दूसरी जगह ले जाने के लिए कनाल्स के द्वारा से हम इस बांध को यूज करते हैं, तो इसको बोल देते हैं डायवर्जन डैम, ठीक है। तीसरा प्रोसेस जो यूज के हिसाब से आ जाता है वो है डिटेंशन डैम। ये डिटेंशन डैम जो है ये ज्यादा बड़े नहीं होते, ये पर इनका काम यही होता है कि पानी जो बरसात में आया उसको हम थोड़े समय के लिए रोक लें, है ना, थोड़े समय के लिए उसको रोक के रख लें और अपने हिसाब से फिर हम उसको धीरे धीरे कंट्रोल रेट से, जैसे यहाँ पे बोरा है, ये एम्बैंकमेंट डैम है, और यहाँ अब ये देखिए एम्बैंकमेंट डैम भी है ये, पर इसको यूज के हिसाब से हम इसको डिटेंशन डैम भी कह रहे हैं, है ना। तो ये पानी को यहाँ से धीरे धीरे जितनी जरूरत के हिसाब से उसको कंट्रोल्ड तरीके से नीचे भेजता जाएगा और नीचे जो बाढ़ आने की संभावना थी उसको हम बचा लेते हैं। तो ये बांध बाढ़ को रोकने के लिए भी इस बांध का प्रयोग किया जाता है। और एक चौथा तरीके का जो फायदा है वो डिब्रीज डैम, एक बांध ऐसा बनाया जाए जो मलबे को, पत्थर को, लक्कड़ पत्थर को जो ऊपर से बहते हुए बड़ी तेजी से आती हैं, उनको रोक सके, उनको आगे नदी में जाने से रोक सके, उनको पानी को आगे जो है साफ पानी जा पाए, उसके अंदर ये मलवा ना जाए, तो हम उसको कह देंगे डिब्रीज डैम है ये। डिब्री मतलब मलवा, मलबे को रोकने वाला बांध है ये, यूज के हिसाब से है ना। तो ये भी एक तरीके का बांध हो गया। एक और डैम आ जाता है, या आपने देखा होगा कई बार नदी में जब ब्रिज बनाते हैं हम, तो हम नदी का पानी कैसे रोकें, बीच में हमें पिलर बनाना है, हमें समुद्र के अंदर भी आजकल पिलर्स बना के डैम बना दिए हैं, तो रेलवे का ट्रैक बना दिए हैं, ब्रिज बना दिए गए हैं। अब आपने ब्रह्मपुत्र नदी पे देखा आसाम में कितना बड़ा एक डैम बना, हमने पुल बनाया है, तो वो नदी के अंदर से पिलर बने। अब आप कहेंगे साहब नदी के अंदर पिलर कैसे बनाते होंगे, तो इसको बोना उसके लिए ये कोफर डैम बनाने जाते हैं। कोफर डैम क्या होते हैं, पानी के बीच में ऐसे इसको रोक देना, बाहर से ये सब लगा के पानी को रोक देते हैं, पानी इधर से बह जाए और नदी के बीच में हम एक खाली सूखी जगह अपने लिए तैयार कर लेते हैं जहां पे हम सारा कंस्ट्रक्शन करते हैं। वो कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद फिर हम इस कोफर डैम को हटा देंगे और वो पानी में पिलर हमारा मजबूत खड़ा रहेगा, बाकी नदी अपना फ्लो करती रहेगी। तो ये एक तरीके से क्या होता है, पानी को डाइवर्ट कर देते हैं एक तरीके से, कि भाई यहां से ये बीच का इलाका थोड़ी देर के लिए हम उसे ड्राई करके उसमें कुछ चीज बनाने के लिए हम इसको कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं कोफर डैम, ठीक है। ये भी आपकी जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। अब एक चीज आती है, एक और आती है जो बहुत साधारण सी है ना, जो हम खेतों में भी करते हैं, मुंढेर वाला डैम। मुंढेर बना देते हैं कि पानी को भैया इधर से आना रोकना है, इस क्यारी में जाना है तो याली क्यारी को खोल दिया, वहां पानी चला गया, अब ये भर गई, इसको रोकना है, तो हम इसको बोल देते हैं लीव्स या डाइक्स भी बोल देते हैं, है ना, क्या मुंढेर वाला डैम।
जो कि पानी को हम अपने हिसाब से कहीं ले जाना या रोकने के लिए हम इसको करते हैं, सबसे नॉर्मल सा है। तो इसको अब ये एम्बैंकमेंट डैम भी है, देखिए है तो ये एम्बैंकमेंट डैम भी है और साथ के साथ ये लीव्स वाला डैम भी हो गया। अब एक दो बातें इसमें आती हैं ली इसमें डैम के अंदर जो कि अक्सर बीच में हम आती रहेगी, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं। जब बांध को के गेट खोले जाते हैं, है ना, जब बांध का पानी छोड़ा जाता है तो जो गेट होते हैं ना उसका बोला जाता है फ्लड गेट्स। एक जानकारी के लिए आपकी कि बांध के जो गेट जिसमें से पानी को बाहर छोड़ा जाता है उसको फ्लड गेट बोलते हैं, ठीक है, याद जानकारी। और अगर उसमें बैरेज भी होते हैं, कई डैम बैरेज की तरह होते हैं, जैसे ये है इसको ऊपर से पुली ऐसा है, गेट जैसा है, इसको ऐसे ऊपर उठा देंगे, है ना, यहाँ पे इसके वो रस्सी लोहे की रस्सी बंदी होगी, यहाँ दो हुक होंगे, इधर भी एक हुक होगा और इन गेटों को ऐसे ऊपर उठा देंगे तो ये बैरेज की तरह वाला डैम हो जाता है। ये बहुत अक्सर हमारे को पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भैया उनके अंदर किस मटेरियल से बनाया गया है, उसके हिसाब से भी हम डैम्स को अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे कि ये आर्क ग्रेविटी डैम है, ये आर्क भी है ना, आपको मैंने बता दिया ये आर्क भी है और ये बहुत चौड़ी है। देखिए इसमें जो गाड़ियां खड़ी हैं आपको छोटी छोटी सी ये दिख रही है, ये है ना, तो ये कितना चौड़ा ऊपर से है तो नीचे से कितना चौड़ा होगा। तो ये ग्रेविटी डैम भी हो गया क्योंकि बहुत भारी भरकम है, बहुत मटेरियल से बनाया गया है और साथ के साथ ये आर्क भी है। तो आर्क ग्रेविटी डैम है और इसको हम इस मटेरियल इसकी बात कर रहे हैं तो उसमें सीमेंट और वो उसको मेसनरी डैम भी कह देते हैं, आगे हम देखेंगे। तो ये एम्बैंकमेंट डैम है जिसमें हम देखिए मलवा पत्थर ये सब डाल के इसको बताया है, बना रोक दिया है पानी को और हम पानी को अब इधर से निकलने के लिए छोड़ेंगे। ये इसका गेट कंट्रोल हाउस है, यहां से हम पानी को छोड़ेंगे नदी के अंदर आगे जाने के लिए, यहां हमने रोक दिया इस पानी को, है ना। तो खैर आगे चलते हैं। अब एक और बात आ जाती है मेसनरी डैम, जो कि मतलब मैंने आपको जैसे ग्रेविटी डैम की बात करी थी वो मेसनरी डैम है जिसमें कि हम सीमेंट कंक्रीट और ये लगा के जिसको बनाते हैं वो मेसनरी यानी मिस्त्री से मेसनरी बन गया। अब ये जो डैम आपके सामने है ये नागार्जुन सागर डैम है हमारे देश का और ये एशिया का एक सबसे लंबे ब्रिजों में से एक है ये नागार्जुन सागर डैम, ठीक है। आपको यहां पे मैं इसलिए दिखा रहा हूं तो आपको पता चलेगा कि नागार्जुन सागर डैम हमारे देश की बड़ी एक सॉलिड वो है, हम इस पे घमंड कर सकते हैं, हमारे घमंड के लिए कारण है। और इसके बाद आ जाता है मटेरियल की बात करें तो एक डैम और भी होता है जो बड़ा ज्यादा बहुत मजबूत नहीं होता, बहुत बड़े स्ट्रक्चर भी नहीं बनाए जा सकते पर छोटी मोटी जगहों पे हम उसको यूज कर लेते हैं, वो है स्टील डैम, है ना। ये स्टील की चादरें खड़ी कर दी हैं और इसके पीछे इसको सपोर्ट करने के लिए लोहे के मोटे मोटे पाइप और या उससे उसको सपोर्ट दे देते हैं ताकि ये ऐसे गिरे ना, और इसके नीचे बीच बीच में इसको सरियों की सपोर्ट दे के ऐसे खड़ा करके रखते हैं ताकि पानी के दबाव में गिरे ना। तो ये ज्यादा लंबी लाइफ नहीं है क्योंकि कंक्रीट से कम लाइफ है इसकी, पर ये टेम्परेरी यूज के लिए इसको स्टील डैम्स को भी बनाया जाता है। और सबसे आसान और सबसे पुराना तरीका जो है जब कंक्रीट और सीमेंट का प्रयोग नहीं था, लकड़ी के डैम, जैसे आप यहां देख रहे हैं ये लकड़ी का बांध बनाया हुआ है, है? तो ये भी एक डैम के मैंने आपको दिखाए क्या क्या तरीके हैं। खैर एक वीडियो है, मैं इसको दिखाऊंगा नहीं आपको क्योंकि इसमें आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। अब हम देखें दुनिया के कुछ खास खास डैम्स की मैं बात कर लेता हूं, है, इससे पहले कि आगे चले। तो दुनिया का सबसे ऊंचा डैम अगर आपसे आज कोई पूछे कि भाई दुनिया का सबसे ऊंचा, मैंने आपको बताया एम्बैंकमेंट, अब ये भी अलग अलग तरीके से है, देखिए है ना, एम्बैंकमेंट डैम अलग है जो मट्टी के ढेर से बनाया गया, उसमें सबसे ऊंचा कौन सा है वो मैंने आपको न्यूरेक डैम दिखा दिया जो जॉर्जिया में था, तजाकिस्तान में था। अब अगर हम आपसे बात करें कि भैया कैसा भी डैम हो जो सबसे ऊंची हाइट का डैम कौन सा है दुनिया में, तो चाइना का नाम इसमें आता है। चाइना ने बहुत ज्यादा, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, चाइना ने डैम्स बहुत ज्यादा बनाए हैं, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी में सबसे ज्यादा आज चाइना का ही सारी एनर्जी, जब ज्यादातर एनर्जी वो अपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी से प्रयोग कर रहा है, बना रहा है। और वहां पे ये जिनपिंग डैम है, जिनपिंग वन डैम है इसका नाम,
और ये चाइना का क्या वर्ल्ड का सबसे ऊंचा डैम है, ये आर्क डैम है, आप देख सकते हैं आर्क की शेप का है, धनुष की शेप का है, और ये तकरीबन 1001 फीट ऊंचा है, यानी 305 मीटर ऊंचा है, ये बहुत हाइट हो जाती है। जो हमने वो देखा था एम्बैंकमेंट डैम, वो 300 मीटर के करीब था, है ना, ये उससे भी 5 मीटर और ऊंचा है, तो ये बहुत ऊंचा डैम है। अगर आप एक याद कर लीजिए, कभी भी जनरल नॉलेज की बात है कि दुनिया का सबसे ऊंचा डैम जिनपिंग वन डैम है। अब आप शी जिनपिंग तो है ही वहां पे, उसी से याद हो जाएगा कि जिनपिंग डैम दुनिया का सबसे ऊंचा डैम है। अगर हम बात करें कि भैया सबसे बड़ी झील मानव निर्मित किसी डैम से बनी हो, जो पानी को रोकने से पीछे पानी इकट्ठा हो गया हो, जैसे हमारे यहाँ पे कई झील हमारे यहाँ देश में भी बनी है, हर डैम के पीछे झील बनती है, रिजर्वर बनता है जो मैंने आपको बताया, तो सबसे बड़ा रिजर्वर अगर कोई है तो जिम्बेजी नदी के ऊपर बनाया हुआ लेक करीबा है। ये लेक करीबा है जो कि जिम्बेजी नदी के ऊपर इसको बनाया गया। तो जिम्बेजी नदी जो है हमारी दो चीजों के लिए फेमस हो जाती है, एक तो इसमें सबसे बड़ा वाटरफॉल है विक्टोरिया फॉल, मैंने आपको दिखाया था, है ना, विक्टोरिया फॉल इसमें बड़ा फेमस है, सबसे ऊंचा तो नहीं है, सबसे ऊंचा तो एंजल फॉल है, पर विक्टोरिया फॉल बड़ा फेमस है, बहुत खूबसूरत है। और दूसरी इस नदी की खासियत में क्या आ जाता है कि यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ी लेक बन जाती है, रिजर्वर बन जाता है। अब इसका साइज आपको बताऊं मैं आपको, ये कम से कम 280 किलोमीटर लंबी, और अपनी जब सबसे चौड़ी जगह है वहां पे 32 किलोमीटर चौड़ी ये झील बन जाती है। तो आप लगा सकते हैं कि क्या ये झील बनी है, पूरा सागर का सागर बन गया है, इतना बड़ा रिजर्वर है ये। तो दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्वर, या आपसे कोई पूछे सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, तो लेक करीबा है। ये भी एक जनरल नॉलेज की बात मैं आपको बता रहा हूं, जो कि जिम्बाब्वे जिम्बेजी नदी के ऊपर बनाई गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बांध, इसमें भी चाइना का नाम आ जाता है, हालांकि बहुत सारे कंट्रीज, नॉर्वे, ब्राजील, कनाडा, अमेरिका, हमारा देश भी बहुत ज्यादा बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से बनाता है ना, पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जो है वो थ्री गॉर्जेस डैम है चाइना का, बहुत बड़ा नदी के ऊपर बनाया है। और ये बीच में तो इसकी ऐसी इतना जबरदस्त, पिछली बार जब बाढ़ आई थी बहुत चाइना में, तो एक बार तो इसकी हालत खराब हो गई थी, और ये अगर ये टूट जाता तो पता नहीं क्या हो जाता चाइना में, है ना। तो इन्होंने पानी को जल्दी जल्दी इमरजेंसी में निकाला इसके अंदर से पानी को, कि ये टूट ना जाए। तो ये भी एक कारण है कि क्यों इंसान ऐसे ऐसे काम करता है, ये एक तरह से अपने लिए बम इकट्ठा कर रहा है, इसको हम आगे और डिस्कस करेंगे, इस बात को बीच में नहीं लाते हैं। खैर आगे चलते हैं। अगर हम बात करें ग्रेविटी डैम की, है देखिए ये जो है ये एक सीधा साधा डैम है जो कि बनाया गया है, अगर पर ये सबसे बड़ा डैम है, सबसे बड़ा मतलब लंबा और सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने वाला, सबसे ज्यादा पानी को रोकने वाला ये डैम बना है, थ्री गॉर्जेस डैम। अगर हम बात करें कि हाइट में ग्रेविटी डैम सबसे ऊंचा वाला कौन सा होगा ग्रेविटी में, है ना, अभी मैंने आपको चाइना का शी जिनपिंग डैम दिखाया, वो आर्क डैम सबसे ऊंचा है, पर वो ग्रेविटी डैम भी है, ग्रेविटी आर्क ग्रेविटी डैम है। अगर हम सिर्फ ग्रेविटी डैम की बात करें जो कि सीधा होता है, तो सबसे ऊंचे में आ जाता है ये स्विट्जरलैंड का, है ना। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपको लगे कि भाई अभी तो सर बोल रहे थे शी जिनपिंग डैम सबसे ऊंचा है, अब आप कह रहे हैं कि ये ग्रैंड डिक्सी डैम सबसे ऊंचा है, तो फर्क समझना जरूरी है। देखिए ये जो है, ये जो डैम है ये आर्क डैम है, दुनिया का सबसे ऊंचा डैम है और सबसे ऊंचा आर्क डैम है, ठीक है, 305 मीटर का। पर अब हम इसकी जो बात कर रहे हैं, ये ग्रेविटी डैम है, सिर्फ ग्रेविटी डैम है, और इसकी हाइट जो है 285 मीटर है, तो थोड़ा बहुत 15-20 मीटर का फर्क है ये स्विट्जरलैंड में। अब हम थोड़ा इतिहास में चलते हैं, बहुत मजेदार इतिहास है इस बांधों का। हम सोचते हैं बांध जो है मानव ने नया आविष्कार किया है, और इसके पीछे हम बड़ा अपने आप को बड़ा टेक्नोलॉजी का काम है, है? तो हम थोड़ा सा ये आपका भ्रम भी दूर करना जरूरी है। बांध बहुत पुराने जमाने से दुनिया में चलते आ रहे हैं। पुराने जमाने में ये जो थे पत्थर और मट्टी
और पत्थरों को भार लगा के उसके अंदर मट्टी ठूस के छोटे पत्थर डाल के इस तरीके से बांध शुरू से बनते आए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बहुत पुरानी, तो 700 साल पुराना ये एक सबसे पतला आर्क डैम हमारे को दिखता है ईरान में, शाह अब्बास आर्क डैम है इसका नाम। इसका जो ऊपर की तरफ जो सबसे मोटा है हिस्सा, वो सिर्फ 1 मीटर चौड़ा है, यानी बहुत पतला। जब आप देख रहे हैं कि वहां पे गाड़ियों की गाड़ियां, तीन तीन गाड़ियां एक साथ ऊपर उसके टॉप पे चल सकती हैं, इतना चौड़ा डैम बनता है। पर ये जो बांध है 700 साल से चला आ रहा है और सिर्फ 1 मीटर चौड़ा है ऊपर, है ना। तो ये ज्यादा चौड़ा बांध नहीं है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पानी का प्रेशर भी नहीं है इसके ऊपर पीछे से, तो उस हिसाब से इसको बनाया गया। पर ये 700 साल पुराना बांध है, इसको दुनिया का सबसे पतला बांध भी माना गया है और देखिए आज तक चल रहा है ये। और ये जो बांध की जो टेक्नोलॉजी थी, इसका जो बारे में मेसोपोटामिया जो आज का इराक है, वहां के लोगों ने इसके बारे में, डैम का बारे में बहुत पहले से ही इसके बारे में सोचा, जो कि ईसा से पहले की बात है, बीसी की बात है। और ये उस जमा से उन्होंने सोच लिया था कि कैसे पानी को रोकना चाहिए, पानी से फिर खेती बाड़ी कर सकते हैं, पानी से हम अपनी सेफ्टी कर सकते हैं, और उन्होंने इस तरीके से अपनी आने वाली पॉपुलेशन को पानी चाहिए, इस सब के लिए उन्होंने बांध बनाना शुरू किया था। तो ये जो बांध अभी आपके सामने है, ये दुनिया का सबसे पुराना बांध है, इसको जावा बांध कहा जाता है, जॉर्डन का। आप देख लीजिए, अब ये असली में क्या, ये एक बांध नहीं था, कई टुकड़ों टुकड़ों में बना हुआ था, उसका एक हिस्सा ये भी है। और ये अम्मान में है, आज के अम्मान में, अम्मान कैपिटल है जॉर्डन की, वहां पे ये बना हुआ है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बाहर बड़े पत्थर लगे हैं और इसके बीच में जो है मलवा, छोटे पत्थर, रोड़ी और मट्टी डाल दी गई थी, है ना। और ये जो है ये 9 मीटर ऊंचा था शुरू में, जो पहले बनाया गया, बाद में इसे 15 मीटर तक भी हाइट कर दी गई थी। और ये इसमें मट्टी के, इसकी मुंडेर के अंदर मट्टी भरी गई थी, आप ये देख सकते हैं, ये उसी बांध का है, ये जावा, ये 3000 बीसी में बनाया हुआ बांध है, यानी आज इस बांध को करीब 5000 साल से ऊपर हो गए। इतना पुराना बांध आप देख रहे हैं। और ये लोकेशन इतनी प्राइम लोकेशन उन्होंने ढूंढी थी कि ये आज भी इस जगह पे बांध है, चाहे वो बांध अब दूसरे तरीके से बनाया गया है, पर ये बांध दुनिया का सबसे पुराना बांध जावा बांध है, आप इसको याद कर लीजिए। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में ये बांध है, 5000 साल आज से पुराना है, यानी 3000 बीसी में इसको बनाया गया था। अब हम देख रहे हैं ना, बाहर बड़े बड़े पत्थर हैं, और ये जो टेक्नोलॉजी थी इतने हजार साल पहले, ये उस जमाने के लिए बड़ी, बहुत बड़ी इंजीनियरिंग की एक काबिलियत को दिखाता है कि उस जमाने के लोगों को इतनी सेंस थी कि बाहर पत्थर लगाएंगे बड़े तो पानी का प्रेशर जो से वो हिलेंगे नहीं, फिर उसके अंदर हम मट्टी भर देंगे ताकि पानी उसके अंदर से लीक नहीं करेगा, फिर हम दूसरी तरफ भी बड़े बड़े पत्थर लगा देंगे, वो भी सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने ये बहुत सोच समझ के, ये सेफ्टी के हिसाब से इस बांध को बनाया था, जावा बांध। ठीक है, बहुत, मैं जब इसको देख रहा था मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि कैसे ये लोगों ने इसको बनाया। और ये देखिए, ये जलाशय इसका था जो था बहुत बड़ा था, ये इसकी बांध आप अब मुंडेर देख रहे हैं, ये सिर्फ टुकड़े टुकड़ों में था, कुछ कहीं कहीं जैसे यहाँ पे बना दिया, फिर कोई पत्थर आ गया, फिर उसके बाद फिर जो गैप आया वहां पे रोकने के लिए फिर बना दिया, इस तरीके से इसको बनाया गया था। इनके देखा देखी मिस्र वालों ने भी बांध बनाना शुरू कर दिया कि उन्होंने देखा ये तो बड़ा, क्योंकि मिस्र और जॉर्डन में ज्यादा फर्क नहीं है, बीच में बस इसराइल है ना। तो इन्होंने इसराइल, उसको देखा कि ये तो बड़ा अच्छा है, तो इन्होंने भी बांध बनाया, पर इन्होंने इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ इनका। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो था उस डैम जो जावा बांध था, उसके 4000 साल के बाद, 400 साल के बाद इसको बनाया गया है ना। जावा जो 3000 बीसी में बनाया गया था, तो ये 2600 बीसी में इस बांध को बनाया गया, और इसका नाम था साद अल करीब कफारा। साद अल कफारा यानी डैम ऑफ द पगान्स। पगान्स मतलब जो अन्य जाति लोग हैं, जो है ना अन्य जाति, तो मिस्री लोग जो थे, इजिप्शियन लोग जो थे, अपने आप को बहुत हाई फाई समझते थे कि हम बहुत ज्यादा, हमारा, हम जैसे अपने आप को हाई क्लास समझना,
है ना, दूसरों को नीचा समझना। तो इन्होंने बोला कि हम उनकी नकल कर रहे हैं, तो जैसे उन पगांस ने उन छोटी जात वालों ने जैसा बनाया है, हम वैसा डैम बना रहे हैं। पर ये डैम जो था ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, शुरू में तो शुरू ठीक ठाक रहा, पर जब इसमें बारिश ज्यादा है कुछ ऐसा पानी हुआ तो ये टूट गया है। और ये बांध बारिश को रोकने के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए बनाए। तो कायरो जी मिस्र की राजधानी है, वहां से ये 102 मील नीचे को, वहां से 25 किलोमीटर नीचे है, है? वहां पे इसको बनाया गया था। और ये देखिए, पर इसके अंदर पुअर लिखा है, पुअर टेक्निक लगाई गई थी। इसके अंदर जो पानी जब भर जाएगा तो उसको एक्स्ट्रा पानी कैसे निकाला जाएगा, उसको इन्होंने सोचा नहीं, और इस वजह से ये बह गया। जब ज्यादा बारिश आई तो ये बह गया और ये इतना निराश हो गए, उसके बाद इन्होंने बहुत सालों तक बांध बनाना ही छोड़ दिया। बोले ये पगांस का ही काम है, वो नीको मुबारक हो, हमारे बस की नहीं है, छोड़ो, बेकार है, इतना पैसा लगाया, सब कुछ किया और ये टूट गया। पर उन्होंने अपनी गलती को नहीं सुधारने की कोशिश करी कि भैया हमने एक्स्ट्रा पानी निकलने का रास्ता बनाना चाहिए था, तो बांध तो टूटेगा ही टूटेगा। तो ये चीज, ये आपको अब उसकी कुछ कुछ अवशेष दिखाई देते हैं, ये जो साद अल कफारा बांध था, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, इंडिया में आते हैं, अपने देश में। तो हमारे देश में भी जो हमारी धोलावीरा का जो हमारे को अवशेष मिले हड़प्पन सभ्यता के, है ना, हड़प्पन में कौन थे, जो हमारे देश के मूल निवासी थे, इससे पहले कि आर्यन हमारे देश में आते, 1500 BC में हमारे यहाँ देश में आर्यन आए हैं, उससे पहले जो रहने वाले लोग थे वो भी बड़े सभ्य लोग थे। और उन्होंने ये गुजरात में, हम देखते हैं ये धोलावीरा जगह है रन ऑफ कच्छ में, है ना, ये कच्छ का जो इलाका है, इस इलाके में ये धोलावीरा एक जगह है। यहाँ पे लोगों ने अपने पानी के लिए, अपने रहने के लिए कैसे कैसे उन्होंने बांध और रिजर्वर्स बनाए थे, देख सकते हैं आप, ये 3000 BC के करीब है, मिडल ऑफ द थर्ड, यानी आप देख सकते हैं करीब 2600-2700 BC के आसपास की बात है। और धोलावीरा में इन्होंने ये, हमारे को ये अवशेष मिले हैं, इसको हम खोद के जब निकालते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने ईंटें बनाई, ईंटों से उन्होंने इमारतें बनाई, सीढ़ियां बनाई, नीचे उतरने का रास्ता बनाया, और ये उन्होंने पूरा हिसाब बनाया। और यहाँ पे करीब 16 रिजर्वर और बांध मिले हैं, 16 रिजर्वर बांध इस जगह पे मिले हैं, कैनाल सिस्टम मिला है पानी को इकट्ठा करने के लिए, उसको यूज करने के लिए उन्होंने ये बनाया। तो ये देख सकते हैं आप, ये ईंटें कैसे, पत्थर और ईंटों को उन्होंने बनाया पका के, इतने साल के बाद भी ये अभी तक रुकी हुई हैं, मट्टी से दब गई थी फिर भी ये अभी भी दिखाई दे सकती है हमको, है ना। ये देखिए ईंटों से बनाया हुआ है सारा, ये रिजर्वर जो है ईंटों से बनाया, नीचे उतरने का रास्ता है और पानी को यहाँ पे हम देखते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, एक और बांध है हिस्ट्री का, बड़ा फेमस बांध है, जो कि वो भी इसी पूर्व की बात है। तो मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं कि बांध कोई नई चीज नहीं है भैया, लोग इसको बहुत पहले से बनाते आ रहे हैं। तो ग्रेट डैम ऑफ मरीब यमन में, यमन एक देश है ना, अभी सऊदी अरेबिया के नीचे एक देश है यमन, सऊदी अरेबिया और यमन के बीच में अभी बहुत हूतीज और उनमें बहुत लड़ाई चल रही है ना, आपने देखा ही होगा, कितने साल हो गए वो देश अभी तक बेचारा उथल पुथल में ही है, गरीब देश है, खाने को नहीं है, पर लड़े मरे जा रहे, पता नहीं कैसी समझ है। तो ये जो देश है यहाँ पे 1700, अब आपको बता दूं यमन में, यमन की एक और चीज है, यमन में एक चीज ऐसी है, चलो मैं आप लास्ट में देखेंगे कौन जवाब देता है, एक चीज ऐसी है जो यमन में जिसका आविष्कार हुआ था और दुनिया आज उसको बड़ा यूज करती है, है ना, बड़े शौक से हम लोग सब उसको पीते हैं, वो चीज कहाँ, यहाँ पे मिली थी, देखते हैं कौन उसका जवाब देगा। तो ये जो है ये डैम बनाया था यमन में, डैम ऑफ मरीब नाम से इसको बोला जाता है, मरीब का डैम है। और बड़े दुख की बात यह है कि ये डैम भी जो है ना, जो अभी जो लड़ाई चल रही है उसमें इसको भी, इतना ऐतिहासिक चीज है, इसको भी नुकसान पहुंच गया है ना, इसको भी इन्होंने, हालांकि अब यूज में भी नहीं है पर एक ऐतिहासिक धरोहर है, पर इसको हमें संभालना चाहिए था। तो इन्होंने क्या किया है, देखिए यहाँ बाहर बड़े बड़े पत्थर लगाए हैं और दोनों साइड में पत्थर हैं, बीच में मट्टी भरी हुई है, तो इस तरीके से इस डैम को बनाया गया था और ये इसका रिजर्वर है, यहां से आके पानी लोग नीचे आके लेते थे। और यहाँ पे ये जो नदी थी,
इसको रिवाइन ऑफ धाना या वादी अल धाना के नाम से इसको बात है, मतलब वादी मतलब घाटी जहां दोनों तरफ से पहाड़ हो बीच में पानी हो, ये उस जगह थी। और यहाँ के जो रहने वाले थे, देखिए ये भी एक बड़ी बात अच्छी मेरे को सामने आई थी कि सीबियन राजा था एक, उसने इसको बनाया। अब आप कहेंगे सब सीबियंस कौन थे, और ये पहले पैलेस बांध की बात कर लेते हैं। ये बांध जो था ये टूट गया 575 एडी में, है ना, एडी सभा वॉज जब ये पानी से भर गया इस, तो ये तब ये टूट गया था, नहीं तो ये बीसी को बीसी के कहते हैं, सीई आजकल एडी को सीई बोलने लगे। तो ये जो है ये जो बांध जो था ये सीबियंस का था, क्योंकि सीबियन लोग ये हैं ये मुसलमान नहीं है, है ना, सीबियंस लोग यहां रहते थे। देखिए ये यमन है, ये सऊदी अरेबिया है ना, तो ये जो यमन जो देश है यहाँ पे सीबियन लोग रहते थे। हालांकि अरब पेनिनसुला में भी यहाँ पे भी सीबियन लोग रहते थे, ये सारा सऊदी अरेबिया और ये सारे जो कंट्रीज थे ये मुस्लिम नहीं थे, क्योंकि मुस्लिम धर्म जो है वो 600 कुछ एडी में आया है ना, एडी में आया 600 कुछ में। और ये जो सीबियंस थे ये और पहले के जो वहां के मूल निवासी थे, जब इस्लाम का नामो निशान नहीं था उस जमाने में ये सीबियन लोग यहाँ रहते थे। हैं? तो आपसे अगर कोई पूछे भाई सीबियंस कौन थे, तो ये असली अब तो खैर, पर अब देखिए इनकी क्या विडंबना है, कितने दुख की बात है कि ये लोग अभी भी वहां हैं, बहुत डर के रहते हैं क्योंकि इनका धर्म ये विश्वास इनका अलग है, ये अलग मान्यता है इनकी, तो इनको बहुत डर के रहना पड़ता है, नहीं तो ये लोग ना इनको मार दें, तो ये बड़े डर के रहते हैं, बहुत छोटे थोड़े लोग हैं अब जो कि उस प्रथा को मानने वाले हैं। तो सीबियंस इनकी भाषा अलग है ना, ये सब है। तो एक जानकारी के लिए आपको मैं बता रहा हूं, ये सीबियंस और ये शीबा, इथोपिया को शीबा के नाम से जाता था जाना जाता था, और ये इजिप्ट को केमत के नाम से जाना जाता था, और केरमा सूडान को जान सकता। तो ये एक तरीके की पुराना एक मत बता रहा हूं आपको। तो सीबियंस के बारे में मैंने आपको बताया, तो सीबियन राजा ने, जब सीबियन राजा था उसने उस बांध को, मरीब का जो बांध है उसको बनाया था। अब इस बांध के सिर्फ ये दो जो बच्चे हैं इसको स्लूसिस बोला जाता है ना, एक शब्द आपके सामने नया आ रहा है, इसको बोला जाता है SLUICES स्लूसिस। ये सिल्यूसिस मतलब जो गेट है जहां से बांध को पानी को रोका जाता है, इसमें या तो कुछ ऐसे फंसाते होंगे या इसके गेट होंगे, जो भी था इसको सिल्यूसिस कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत सालों तक चलता रहा पुराने, जब तक, और कितना बड़ा था, हूवर डैम उससे दुगना बड़ा था, ये हूवर डैम से दो गुना बड़ा था, यानी सोच लीजिए ये 2500 साल बीसी में उन्होंने इस चीज को बनाया और कितना बड़ा बांध बनाया। उस जमाने का यमन कितना समृद्ध रहा होगा, आज का यमन कैसा हो गया है ना, तो ये भी एक बात देखते हैं। यमन में लोग ऐसे घर बना के रहते हैं, देखिए ये मिट्टी के घर है ऐसे, इनके अगर पुश्तानी घर जो ओरिजिनल घर है तो आपको ऐसे घर मिलेंगे। अब तो ये रुइंस हैं, मरीब के पास के ये रुइंस हो गए क्योंकि पानी वानी की वजह से खराब हो गए, पर ओरिजिनल भी अगर आप देखेंगे तो बड़े सुंदर होते हैं, नीले वीले टाइल वाइल लगा के इसके ऊपर बनाते हैं, और ये इनके ओरिजिनल आर्किटेक्चर है यमन का। और ये जो था इसका क्रॉस सेक्शन देखिए, ये इसके बीच में मट्टी फंसाई गई थी जैसे मैंने आपको बताया था, 580 मीटर लंबा था, 4 मीटर ऊंचा था ये, है ना, और दो चट्टानों के बीच के साथ 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 ऐसे चलता था ताकि पानी को रोक सके, दो चट्टानों के बीच में ऐसे रोकने के लिए। तो ये मरीब का बांध है, बड़ा फेमस बांध है, ये अब खत्म हो गया। अब ये मरीब का जो बांध अब जो नया बनाया है ना, वो ये है, एम्बैंकमेंट है, ये देख रहे हैं पत्थर यहां से ला ला के सब भरा है, इसको बनाया है, चौड़ा भी काफी है, और ये बांध आज यमन में यूज हो रहा है। तो 86 में जो ये बीसी में ये बांध था, अब 1986 में याला बांध बन गया है। हमारे पास 5 मिनट रह गए सिर्फ, जल्दी जल्दी हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, फिर हम अगली बार आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक और बांध बीसी में 15th and 13th century BC यानी करीब 1500 से 1600 BC में, 1300 से लेके 1500 BC की बात हम कर रहे हैं, उस जमाने में टर्की का
टर्की के लोगों को उस जमाने में हिटाइट्स बोला जाता था। ये भी एक बड़ी जनरल नॉलेज की बात आपको बता रहा हूं कि आपसे पूछा जाए, आप कई बार हिस्ट्री में पढ़ेंगे हिटाइट लोग, हित्ती लोग, हिंदी में बोलते हैं हित्ती। तो हित्ती लोग कहाँ के थे? ये टर्की के रहने वाले लोग थे, बड़े लड़ाका टाइप के लोग थे, फाइटर लोग थे, और ये बहुत ज्यादा नीचे आक्रमण करते आते थे। इनके रथ बड़े फेमस थे, इनके मेटलर्जी बहुत अच्छी थी उस जमाने में, है? तो ये जो इनका, इन्होंने एक बांध बनाया था यहाँ पे रिजर्व, इसका नाम है अफलातून पिनार, है? अफलातून हम बोल देते हैं ना, अफलातून, बड़ा अफलातून समझ रहा है ये उसी तरह से इसका नाम है अफलातून पिनार नाम है इसका। यहां से पानी जमीन में से निकलता है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है ना, और यहाँ पे इन्होंने ये एक बनाई हुई है, स्ट्रक्चर ही बनाया हुआ है, यहाँ पे बहुत साफ और ठंडा पानी निकलता है, बिल्कुल ठंडा आइस कोल्ड पानी निकलता है, यहाँ पे बहुत शुद्ध पानी निकलता है ना। और यहां से ये जो है जिसको लोग देखने के लिए आते हैं, बहुत बहुत ही खूबसूरत जगह है। और इस जगह पे इन्होंने इसके नीचे यहाँ पे एक ये बना रखा, देख रहे हैं आप, ये पानी यहां से निकल रहा है इसके अंदर से, और यहाँ पे इन्होंने पुराने अपने ऐसे स्ट्रक्चर बना रखे हैं, रिलीव्स बोलते हैं इसको, है ना, ऐसी बिल्डिंग्स के, इसके ऊपर इन्होंने मूर्तियां बना रखी हैं और ये स्ट्रक्चर बना रखा है, और यहां से पानी इसका निकल रहा है, ये देखिए यहां से भी निकल रहा है, और यहाँ इन्होंने जो मुंह बना रखे हैं उसमें से निकलता है, बहुत शुद्ध पानी है। अब ये है कहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूं, आपको ये झील दिख रही है, ये जो जगह दिख रही है ये टर्की है, देखिए पूरा, है ना, ये पुराना एम्पायर है असली में, टर्की अब यहां तक है, ये पूरा टर्की है यहां पर, इसलिए टर्की को यहां से यूरोप शुरू हो जाता है, यहां से एशिया शुरू हो जाता है, तो इसलिए टर्की को बोला गया ये ऐसा देश है जो दो कॉन्टिनेंट में बसा हुआ है, है ना, ये भी एक जनरल नॉलेज की बात आपको बता रहा हूं। टर्की एक ऐसा कंट्री है जो आधा एशिया में है, आधा यूरोप में, आधा तो नहीं कहेंगे पर दोनों कॉन्टिनेंट में फंसा हुआ है। और ये जो जगह है ये कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि इन्होंने रोम का राजा था, है? रोम का राजा कॉन्स्टेंटिन ने बनाया था, कॉन्स्टेंटिनोपल ये जगह थी, उसको इन्होंने जीत के जब मुस्लिम राज ऑटोमन एम्पायर यहां से बढ़ता हुआ चला आया, ऑटोमन एम्पायर ने इसको जीत लिया टर्की को यहां से होता हुआ, फिर इसने कॉन्स्टेंटिनोपल को भी जीत लिया और इसको अपने इलाके में मिला लिया। और बड़ी जबरदस्त, इसके बारे में अगर भी ढूंढने की कोशिश करना कि कैसे उसने उसको जीता, क्योंकि कॉन्स्टेंटिन के ऊपर उसने पूरी लोहे की चेन लगा दी थी कॉन्स्टेंटिनोपल की, कि ये अपनी बोट्स को ना ला पाए, बहुत भारी लोहे की चेनों से पूरा बांध दिया था, तो उन्होंने अपनी नावों को उस चेन के ऊपर उठाने के लिए पहाड़ के ऊपर से ले गए, उठा के अपनी बोटों को, बड़ी बड़ी जहाजों को कैसे उठा के लेके गए होंगे मैं नहीं कह, पर वो बड़े बड़े कह उसने पत्थर लगाए, लकड़ी लगाई और उठा के उनको वो पार करा के फिर अटैक किया। तो एक बड़ी जबरदस्त चीज है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये टर्की का ये इलाका है, यहाँ पे ये झील, यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं अफलातून पिनार, ये जगह है, ठीक है, ये यहाँ पे ये वाली झील जो है यहाँ पे वो जगह बनती है, ठीक है। और ये असीरियन एम्पायर, ये नीचे इसराइल का एम्पायर, ये सीरियन डेजर्ट कहला जाता है, सीरिया आ जाता है इधर। तो ये हम देख रहे हैं, ये इसका यहाँ पे ये जगह है, है? तो यहां तक आज हमने देखा कि डैम्स क्या हैं, कितने तरीके के होते हैं, और थोड़ा सा उसका इतिहास को भी देखा। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ अच्छा लगा होगा। तो अगली बार हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। सर, ये मुझे ये जानना था, शायद ये जो मैं पूछने वाली हूँ ये शायद आपके नेक्स्ट क्लास पे आएगा, फिर भी मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी इसके। मुझे पता है सर, मैंने पढ़ा था इसके ऊपर, डैम बनाने से क्या फायदा है, क्या क्या नुकसान है, एनवायरनमेंट के ऊपर इसका क्या ये है। तो उसमें मैंने पढ़ा था कि जैसे हम लोग डैम बनाते हैं, वैसे एक दो साल तक वो ठीक होता है, लेकिन उसके बाद उसका जो साइड इफेक्ट है वो स्टार्ट होता हो जाता है। जैसे जो हमारे पानी का लेवल है वो नीचे से आते हैं ऊपर तक, उसका एक लेवल होता है जैसे हम वाटर लेवल। तो मैंने जहाँ पे पढ़ा था वहां पे ये था कि डैम बनाने से जो हमारा वाटर लेवल है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। डैम में जी पूछिए पूछिए पहले। जैसे बाढ़ आ गया, मतलब बाढ़ हो या जैसे जो भी सीजन हो, उसमें वाटर लेवल, वाटर का एक लेवल होता है। अगर
ऐसे के क्या कहते हैं, सो रेनी सीजन में वाटर लेवल बढ़ जाता है, बाकी सीजन में थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि हर सीजन में उसका ये लेवल कम हो जाता है। यस, वो मैं बताता हूँ आपको, मैं उसको मैं आप वो आपने बात अभी छेड़ दी तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ये मैं लास्ट में बताने जा रहा था आपको, ये डैम जो है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जब हर बार बाढ़ आती है या नदी आती है तो नदी का तो हमने रास्ता रोक दिया, नदी नहीं तो क्या होता था, सारा मट्टी और ये सब लेके आगे जाती थी, है ना, आगे खेतों में और जाल। अब ये क्या हुआ, हमने बांध बना दिया, मट्टी यहां आके टकरा के पानी रुक गया, तो मट्टियां इकट्ठी होती जाती है, तो जितनी बार भी होगा धीरे धीरे बांध का लेवल ऊंचा होता जाएगा, पानी का लेवल, पानी उसमें कम होता जाएगा और मट्टी भरती चली जाएगी नीचे जो है मट्टी, इसलिए हमारे को डीसिल्टिंग करना पड़ता है। आपने सुना होगा ये शब्द, हम बांध में से मट्टी को निकालना पड़ता है, नहीं तो बांध में पानी का लेवल हमें लगेगा पानी इतना है, पर पानी इतना होगा नहीं क्योंकि नीचे मट्टी भर गई है, तो इसे डीसिल्टिंग कहते हैं और इसको हमें करना पड़ता है। ये हम आगे हम देखेंगे आगे आने वाले सेशनों में आपके अभी हम थोड़ा सा, मैंने कहा जब टॉपिक लिया है तो उसकी जानकारी भी थोड़ा होना जरूरी है, बांध क्या होता है, हिस्ट्री में कैसे कैसे बांध हुए हैं, कितने तरीके के होते हैं, किस मटेरियल के बनाए जा सकते हैं, किस चीजों को देख के बनाया जाता है डैम, क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी पड़ती है बांध बनाने से पहले, थोड़ा सा ये जानकारी भी ले लें। हालांकि ना आप इंजीनियर है ना मैं इंजीनियर हूं, पर हम एक एक जानकारी जरूर हमारे को होनी चाहिए, है ना। अच्छा, एक प्रश्न किसी ने पूछा है कि पानी को बांध में, जो बांध में कितना पानी है ना, उसको कैसे नापा जाएगा, तो वो होता है उसको, ये इसको क्यूबिक मीटर पर फिट के हिसाब से नापा जाता है ना, कई वो तो ट्रिलियंस के हिसाब से हो जाएगा, बहुत ज्यादा पानी क्यूबिक मीटर पर सेकंड, तो हम पानी को चकोर एक क्यूबिक मीटर, एक मीटर यूं, एक मीटर यूं, एक मीटर यूं, ऐसे करके एक मीटर क्यूबिक मीटर नापते हैं, उससे हम उसको आगे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सबको बाय बाय, थैंक यू आने के लिए।